बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एमजीटी 211 फाइनल टर्म करंट पेपर शीट करूंगी। ये 17 सितंबर 2022 का पेपर है, सुबह 8 बजे का, 8 AM का। आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी, आप इन पेपर को देखें और जो मैंने अभी वीडियोस बनाई हैं दो एमजीटी 211 पे 32 लेक्चर्स तक, आप वो देखें और ये पेपर देखें, फिर आप बताइएगा कि अभी तक, हालांकि हमने भी आधा कोर्स भी नहीं किया, कितने पेपर कितने क्वेश्चंस बीच में से आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैंने लेक्चर्स को इसलिए छोड़ दिया है कि अब मैं आपके साथ इसके करंट पेपर्स शेयर करूंगी। इंशाल्लाह साथ साथ जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि अब टाइम की शॉर्टेज है। आप ऑब्जेक्टिव कर लें और ये करंट पेपर्स कर लें, क्योंकि आपको पता है करंट पेपर्स में से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इस वजह से अब मैं आपके साथ करंट पेपर्स ही रिपीट करूंगी, जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। टोटल 52 आपके एमसीक्यूज आए थे। ये बात मैं आपको बता दूं कि लक पे डिपेंड करता है, जिसकी लक चल जाए तो सारा पेपर ही पास्ट पेपर में से आ जाता है। जिसकी लक मतलब कुछ का आधा पेपर आ जाता है, कुछ का हैंड आउट्स में से आ जाता है, कुछ का आधा पेपर पास्ट पेपर में से आ जाते हैं, कुछ का सारा पेपर ही कॉन्सेप्चुअल आ जाता है। आप नवाफिल पढ़ के जाएं, दुआ करके जाएं, अल्लाह ताला कुछ खुश करें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है। फिर आ जाएगी शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी। तो इंशाल्लाह ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के पेपर शेयर करती जाऊंगी, तो आपको वहां से काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा। इंशाल्लाह वहीं से आपका पेपर आएगा, इसी से रिलेटेड ही आएगा। तो अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स आर वेरी यूजफुल फॉर द मेकिंग फंक्शंस, डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजफुल इंटरमीडिएट्स। आपको पता है कि ये एमजीटी ऐसा सब्जेक्ट है कि ये तकरीबन सारा ही पास्ट पेपर में से रिपीट होता है, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक कंडीशन दे देते हैं, एक लाइन या तो हैंड आउट्स में से उठा कर दे देते हैं और आगे कहते हैं, मीन्स के सीधा साधा क्वेश्चन बहुत कम देते हैं। यहाँ पे सिंपल वो कह रहे हैं कि मुझे डिसएडवांटेजेस बता दें इंटरमीडिएट्स के, तो ये आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में, इन दिस द कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Workforce is very important for the useful business, sorry successful business. How would you explain the digital workforce? ये वाला एक क्वेश्चन है। External marketing workforce heavily influences the marketing program in the shape of opportunity and threats. Discuss the factors of external marketing force. अब सिंपल इसने इतनी सी बात पूछनी थी कि डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल मार्केटिंग फोर्स, पीछे ऐसी पूरी स्टेटमेंट इसने लिख दी है। इस पे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, पूरे क्वेश्चन को 3-4 बार लाजमी पढ़ना है, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना आपने, एक एमसीक्यूज भी नहीं छोड़ना। नहीं कुछ आता कोई बात नहीं, क्वेश्चन को कॉपी करें, आंसर में पेस्ट कर दें, लेकिन कोई भी चीज आपने छोड़नी नहीं है। इस तरह आपके एग्जामिनर के ऊपर, टीचर के ऊपर बहुत बुरा इम्पेक्ट पड़ता है आपका। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आपने कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, एक एमसीक्यूज भी नहीं छोड़ना। 2 घंटे का पेपर होता है, अपने टाइम को मैनेज करें, मींस के अच्छे तरीके से 1 घंटे के बीच में या 50 मिनट्स के बीच में अपने एमसीक्यूज को कवर करें। अगर नहीं तो आप 120 मिनट्स के बीच में एमसीक्यूज को कवर करें, उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे उसके ऊपर दें। मैं तो आपको यही करूंगी, रेकमेंड करूंगी कि आप 1 घंटा एमसीक्यूज को दें, क्योंकि उसके मार्क्स भी कम नहीं है। 52 मार्क्स, अगर आपके 80 में से 52 मार्क्स आ गए तो आपका CGPA कहाँ तक पहुंचेगा। बाकी जो टाइम बचे उसमें आप अपने क्वेश्चंस कर लीजिएगा, लेकिन कोई भी चीज छोड़ के ना आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द वेरियस सिचुएशंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो ये भी मैंने करवाया है लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की थी लेक्चर नंबर 32 तक, उसके जो एंड वाला क्वेश्चन था वो यही था, पर्सनल सेलिंग एंड पर्सनल सेलिंग सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल करियर पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द अरेंजमेंट्स
that are done in the layout plan and reasons for designing the layout. अब जस्ट इसने सिंपल ये चीज पूछनी थी कि reasons for designing the layout, पीछे सारी स्टेटमेंट ऐसी लिख दी है, इसको देख के आप हो जाएंगे कंफ्यूज और क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही होता है, जस्ट उसकी वर्डिंग चेंज कर दी जाती है, जिससे स्टूडेंट पजल हो जाते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 166 पे मिल जाएगा। ऑनेस्टली मैं हर बार इसकी ये वॉल्यूम बंद करना भूल जाती हूँ, जो खुद भी बहुत अजीब सी आवाज लगती है इसकी। लास्ट क्वेश्चन, मिलेनियल आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट एजुकेटेड एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, वट आर द अदर करेक्टरिस्टिक्स प्रीवेलिंग इन द मिलेनियल्स, एक्सप्लेन एनी फाइव। अच्छा, ये जो क्वेश्चन सॉरी पेपर होता है MGT के वगैरह का, कोई भी सब्जेक्ट देख लें, इसमें एक क्वेश्चन लाजमी ऐसा आता है जो कि रीजन वाला होता है, जो कि कॉन्सेप्चुअल होता है, बाकी सारा वैसा आता है, कोई भी कॉन्सेप्चुअल बहुत कम होता है, एक या दो मीन्स शॉर्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है कॉन्सेप्चुअल वाला, या एक लॉन्ग में आ जाता है कॉन्सेप्चुअल वाला, बाकी सेम उधर से ही आपके हैंड आउट्स में से ही आते हैं, जस्ट पीछे एक स्टेटमेंट कर लिख देते हैं या कोई केस लगा देते हैं, बाकी आपके सिंपल क्वेश्चन आते हैं और एक रीजन वाला क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट में आता है और एक लॉन्ग में आता है, जैसे कि इधर भी दिया हुआ है। बस आपका इतना सा पेपर था, मेरी सारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला को भी याद कीजिएगा ताकि आपका पेपर अच्छा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।